नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। आलम यह है कि पहाड़ी जिला तो दूर बल्कि रामनगर में भी सरकारी अस्पतालों के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हालात यह है कि पीपीपी मोड पर दिया गया यह अस्पताल अब केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को बेहतर बनाने और यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से इस अस्पताल को करीब 1.5 साल पहले पीपीपी मोड पर दिया गया था। लेकिन जब से यह अस्पताल पीपीपी मोड पर गया, तब से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से पटरी से उतर गई हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को जहां एक ओर इलाज नहीं मिल रहा, तो वहीं छोटी बीमारी से पीड़ित मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। ऐसे में लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां तैनात स्टाफ की ओर से मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ अभद्रता की जा रही है, तो वहीं अस्पताल से दवाई न देकर मरीजों को भारी मेडिकल स्टोर्स की दवाई लिखी जा रही है। देखिए, रामनगर अस्पताल जब से पीपीपी मोड में गया है, वहां पर ना तो किसी प्रकार से व्यक्ति को इलाज मिल पा रहा है। अगर आप इलाज के नाम पर कहें, अगर आप इमरजेंसी में भी जाते तो सीधे रेफर कर देते हैं आगे हायर सेंटर के लिए। वहां पर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ इतना बदतमीज है कि वो जब जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझ रहे, तो आम जनता को तो मैं समझता नहीं कि कुछ समझेंगे। हमने सोचा था ये सरकार पीपीटी मोड में हॉस्पिटल को दे रही है, क्या पता कुछ अच्छा होगा। ये तो पुरानी हालतों से भी बदतर हालत हो चुकी है हॉस्पिटल की। किसी को छोटी चोट लगती है, उसके बाद भी ये लोग सीधा रेफर कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली भी इतनी है कि अस्पताल में मरीजों के ना तो अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन हो पा रहे हैं और ना ही मरीजों की पैथोलॉजी की जांच की जा रही है। ऐसे में अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों का कहना है कि इस अस्पताल को सरकार जल्द पीपीपी मोड से हटाकर पुरानी व्यवस्था के तहत संचालित करें, जिससे गरीब मरीजों को इलाज मिल सकेगा। हालांकि अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कई बार कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते कई मासूम अपनी जान भी गवा चुके हैं। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल बदहाल है, अब इसके बारे में क्या नहीं कहा जाए, वो बहुत कम है। आजकल आप देख रहे हैं कि सरकार ने इसको जो हमारा रामनगर अस्पताल है पीपीपी मोड में दे तो दिया है, लेकिन वहाँ पर जो उपचार मिलना चाहिए उस रूप में उपचार नहीं मिल पा रहा है। ना तो वहाँ महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा अभी तक हो रखी है। वहाँ इंटीरियर डिज़ाइन जरूर हो गया है, लेकिन उसका जो उसमें डॉक्टर होने चाहिए, उन डॉक्टरों की अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। मरीज आता है, एक रेफर सेंटर के रूप में इस रामनगर अस्पताल का नाम हो गया है। इस बारे में पीपीपी मोड से पूछा गया है अल्ट्रासाउंड की, वो उन्होंने मोदी अल्ट्रासाउंड सेंटर जो मार्केट में है उसके साथ इनका कुछ पैचअप हो रखा है कि गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कराए जाएंगे। और जहाँ तक सफाई का मुद्दा है, तो इनको कई बार लिख के दे दिया है और अब धीरे धीरे सफाई इम्प्रूव कर रहे हैं। बस वही है कि उधर जाओ इधर जाओ, हो नहीं रही सुविधा, नहीं मिल रही सही वाली अच्छे से, नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाहर लिख के दे रहे हैं जी। दवाइयाँ भी कभी कुछ यहाँ से कुछ बाहर से, जो मैन है। इलाज कैसा हो रहा है? इलाज भी इतना खास नहीं है, मतलब बस ऐसे ही है। कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में स्थित मात्र एक सरकारी अस्पताल स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरी तरह चर्चाओं में। करीब 1.5 वर्ष से पूर्व प्रदेश सरकार ने इस अस्पताल में बेहतर मरीजों को सुविधाएं मिलने के मकसद से इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन पीपीपी मोड पर जाने के बाद से लगातार ये अस्पताल चर्चाओं में है। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल होने के चलते यहां मरीजों को सस्ता इलाज देने को लेकर और मरीजों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को रोकने को लेकर कई राजनीतिक व सामाजिक संगठन धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, तो वहीं इलाज के अभाव में कई मासूमों की जान भी जा चुकी है। आज भी अस्पताल की स्थिति के यहाँ अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन जहाँ एक और मरीजों के नहीं हो रहे हैं, तो वहीं दवाई
भी मरीजों को बाहर से लिखी जा रही है, जिससे गरीब मरीज खासतौर पर परेशान है और गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड न होने के कारण महंगे अल्ट्रासाउंड निजी चिकित्सालयों में जाकर करा रही है। मामले में आज हमारी टीम ने मरीजों से भी बात की, जहां भर्ती मरीज हैं, मरीजों ने भी कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज अस्पताल में जो उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं मामले में अस्पताल की CMS डॉक्टर चंद्रा पंत ने कहा है कि इस संबंध में PPP मोड के संचालकों को लिखा गया है, तो वहीं सफाई व्यवस्था जिस तरह से यहाँ बदहाल हुई है तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि लिखा गया है। और दवाइयों के लिए भी जो मरीजों को बाहर से दवाई मंगाई जा रही है, उस पर CMS का कहना है कि PPP मोड के संचालक को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि दवाई मरीजों को अस्पताल से उपलब्ध कराई जाए। अब देखना ये होगा कि रामनगर की जनता के लिए सरकार कितना न्याय करती है, लेकिन जो सरकार ने जिस मकसद से रामनगर के अस्पताल को PPP मोड पर दिया था, तो PPP मोड के संचालक सरकार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह जहाँ को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो वहीं सरकार के स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देने के दावों को भी पूरी तरह खोखला साबित कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार जनता की इस न्यायोचित मांग को लेकर कितना गंभीर होती है। लोगों का कहना है कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को पूर्व की भांति PPP मोड से हटाकर सरकारी तंत्र में सौंपा जाए और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर की जाएँ, जिससे मरीजों को उपचार मिल सके। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।